उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा के बाद चमोली में ग्लेशियर टूटने से एक बार फिर से प्रकृति का तांडव देखने को मिला। जहां एक तरफ इस तांडव में बहुत सारे लोग मौत की आगोश में चले गए, वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों के लोग उत्तराखंड में काम करने के लिए पहुंचे थे। उत्तराखंड में तमाम योजनाओं में मजदूर ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ी इलाकों पर काम कर रहे हैं, जिनमें लगभग 4 लोग मेरठ के खटकाना पुल के निवासी भी थे। जब परिजनों को पता चला कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूट गया है तो सब सकते में आ गए। आनन फानन में अपने परिजनों की ढुलाई शुरू की गई, फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हुआ। एक दो दिन बाद जब उनसे संपर्क हुआ तो पता चला कि मेरठ के ये चारों लोग सकुशल थे और अब जब ये अपने घर वापस लौटे हैं तो अलग ही खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। इनके घर वापस लौटने की खुशी में ढोल बजाए गए, फूल बरसाए गए और फूलों की मालाओं से इनका स्वागत किया गया, जैसे ये कोई बड़ी जंग जीत कर आए हों। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोहित है जी। अच्छा, वहाँ से जब क्या कैसे हादसा हुआ आपके सामने? सर जी हम वहाँ से 5 मिनट पहले ही निकले थे, वो हमें पता लगा बाद में पुल बह गया है। हमने आवाज़ सुनी वहाँ, बहुत खतरनाक तरीके की आवाज़ थी। वो आवाज़ सुनी जब हमें पता लगा पीछे पुल बह गया है, बहुत डरावना वो देखा हमने, पानी तेज़ी से आया और एकदम पुल को ले कर चला गया। जी आपकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, फिर कैसे बचे? जी सर वहाँ से जब हम देखे पीछे से भीड़ आ रही थी भागी हुई, तो हम जा तो जब भगदड़ मच रही थी तो देखा पीछे सब डैम वैम सब टूट के गिर रहा है, नीचे मलबा गिर रहा है, उसके साथ में हमारी तबीयत ख़राब हो गई। फिर जब सब एक साथ भागे, फिर भागे हम भी आगे के लिए दौड़े, फिर आगे जाके जब हम वहीं उल्टी होने लगी, मेरे को डर। ठेकेदार साहब अभी ये आ गए हैं जी, तो कितना प्रेशर था आप पे? प्रेशर बहुत था भाई, प्रेशर ज़्यादा कड़ा हो गया था भाई। अब ये आ गए भैया, अब तो हल्का हो गया। अब क्या करोगे आप? कल भंडारा कराएंगे इनके नाम से, पर आप सभी को आना है, जितने प्रेस रिपोर्टर अपने भाई हैं सभी को आना है। कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत धन्यवाद आप ही लोगों का, ये जो आपने इतनी मदद की हमारी, ये कहना है मुझे। मोहल्ले वालों ने अपने लोगों के वापस लौटने की खुशी में एक भंडारे का आयोजन भी किया और इस भंडारे में भगवान का धन्यवाद भी दिया गया। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आई तबाही के बाद बहुत सारे लोग काल के आगोश में चले गए हैं, लेकिन जो वहां से बचकर आ गए हैं वो बेहद खुशनसीब हैं। मेरठ से राजन सोनकर, टीम एन भारत।